प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज सूजी का तंबिट बनाएंगे। सूजी का तंबिट बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, भुना हुआ सूजी 1 कप लिया है, 1 कप गुड़, 1 कप नारियल, जिस कप से सूजी लेते हैं उसी कप से माप कर लेंगे, तरबूज का बीज थोड़ा, खसखस, इलायची पाउडर, 1/2 कप पानी, थोड़ा सा घी, अभी पहले 1 बर्तन में सूजी डाल रही हूँ, कसा हुआ नारियल, इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको ऐसा दबा के हाथ से भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसा, इसको थाली ढक करके 1/2 घंटे के लिए रेस्ट में रख देंगे। तरबूज का बीज को थोड़ा सा कढ़ाई में गरम करके डालेंगे। अभी एक कढ़ाई में गुड़ डाल रही हूँ, 1 केवी पानी, देखिए गुड़ पिघल गया है। अभी इसका पाग देख लेंगे कैसे निकालते हैं। देखें, अच्छा ऐसा इसको पकने देना है। अभी एक कटोरी में पानी लेके उसमें थोड़ा सा ऐसा डालेंगे। देखिए इसको हाथ में निकालने में हाथ में आना चाहिए, देखिए ऐसा। देखिए ऐसा, अभी इसमें सूजी और नारियल जो मिक्स करके रखा था ना रेस्ट में, वो इसमें डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसा, घी डाल रही हूँ, 2 चम्मच घी, खसखस डाल रही हूँ, तरबूज का बीज, इलायची पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कढ़ाई को जब छोड़ता है उस समय उतार लेंगे। देखिए अच्छा पक गया है। अभी इसको फैला के ठंडा कर लेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद देखिए ऐसा,
थोड़ा गरम में ही इसको गोल गोल बना लेंगे अपने आकार का। इसको ऐसा गोल गोल बना दे, बना के इसको इसको ऐसा लेके शेप देंगे। इसको थोड़ा गरम गरम में ही इसको करना पड़ता है। देखिए ऐसा, मैं और एक बना के दिखाती हूँ। जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, ऐसा बना के थोड़ा ऐसा प्रेस करके रखते हैं। देखिए ऐसा शेप देते हैं। सूजी का तंबिट रेडी हो रहा है। इसको सर्विंग बोल में निकाली हूँ। सूजी का तंबिट रेडी।